भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पूरी तरह से फैसले का सम्मान हमेशा किया है, चाहे बसपा हो या इंडी गठबंधन के लोग हो। न जाने कितनी बार इन्होंने कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाने का काम किया है। एससी एसटी और ओबीसी को सवाल है सम्मान का, तो ये देने का काम, अगर सम्मान देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एससी एसटी समुदाय के उप वर्गीकरण की राज्य को मंजूरी दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य एससी और एसटी को उप वर्गीकृत कर सकता है ताकि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और कुछ एससी एसटी समूहों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसको लेकर राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान सामने आया है। राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, हमारी पार्टी और पूरी सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि ये बीएसपी या इंडी गठबंधन के सदस्य हैं जिन्होंने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी समुदायों के बारे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। अब कोई नाराजगी जताए ये तो उनसे पूछा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पूरी तरह से फैसले का सम्मान हमेशा किया है और केंद्र के फैसले के साथ हमेशा खड़े रहने का काम करते हैं। लेकिन चाहे बसपा हो या इंडी गठबंधन के लोग हो, न जाने कितनी बार इन्होंने कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाने का काम किया है। इसलिए कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक एससी एसटी और ओबीसी को सवाल है सम्मान का, तो ये देने का काम, अगर सम्मान देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज एसटी वर्ग से आने वाली हमारी आदिवासी महिला जो पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से एसी वर्ग के लिए सम्मान देने का काम किया है, तरह तरह की स्कीम ला करके उनको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया है। और इतना ही नहीं, ओबीसी से मैं स्वयं आता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि कभी कांग्रेस ने ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाने का काम नहीं किया, लेकिन आज हमारा फख्र है, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के पिछले वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए लगातार सम्मान दिया है, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूँ नीट की परीक्षा में आरक्षण हो, आज नवोदय स्कूल के प्रवेश में आरक्षण हो, चाहे आपके सैनिक स्कूल में आरक्षण हो या नवोदय स्कूल में आरक्षण हो, सभी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर 27% का आरक्षण देने का काम भी किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और केंद्र की सरकार भी हम देखेंगे तो केंद्र की सरकार में 71 में से 27 मंत्री ओबीसी हैं। तो मैं कह सकता हूँ चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ये सबको सम्मान देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन ये कांग्रेस जो एनडी गठबंधन का बड़ा एलायंस पार्टनर है, उन्होंने हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया है, चाहे काका कालिकल की रिपोर्ट की बात हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोकने की बात हो, या संसद में खड़े होकर के इनके राहुल गांधी जी के पिता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण केवल और केवल ओबीसी के इस आरक्षण के विरोध में दिया था। तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एससी ओबीसी एसटी सभी के साथ में खड़ी है और सभी के साथ खड़ी रहेगी, और जो कोर्ट का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं।